नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट से अवगत कराते रहता हूँ, उसी के तहत दोस्तों 28/9/2022, जी हाँ दोस्तों 28 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मेन कार्यक्रम स्थल जो है राजगढ़ रहेगा, और इसका प्रसारण प्रत्येक ग्राम पंचायत में और जो पूरा कार्यक्रम है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित किया जाना है। तो किस तरह से पूरी रूपरेखा रहेगी, क्या क्या बिंदु रहेंगे, उस पर हम बात कर लेते हैं, और आगे भी जिस तरह से पोर्टल पर अपडेट हमें देना पड़ेगा और पोर्टल पर फोटोग्राफ्स वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, तो उसका ही मैं वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट तो पता ही है, PMAYG.NIC.IN। हम इससे जुड़े और भी वीडियो देखते रहते हैं, आप मेरी इसकी प्लेलिस्ट भी दे सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूरी प्लेलिस्ट में आपको सब ऐसे अपडेट्स देते रहता हूं, तो आप पूरे वीडियोस और भी देख सकते हैं। तो हम वो महत्वपूर्ण आदेश देख लेते हैं जो कि अभी निकला है। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल दिनांक 23/9/2022 को ही निकला है, 23 सितंबर को ही निकला है अभी आदेश है। क्रमांक देख सकते हैं आप 9195, इसके बाद आब्लिक 22P7V7/PMAYG/22 दिनांक 28/9/2022। जी हाँ दोस्तों, ये डेट है 28/9/2022, 28 सितंबर 2022 को राजगढ़ मुख्य कार्यक्रम स्थल रहेगा। यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 अप्रैल 2022 के उपरांत निर्मित 4 लाख से अधिक आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, ठीक है। किस दिन गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, 28/9/2022 मतलब 28 सितंबर 2022 को, और इसका मुख्य जो कार्यक्रम स्थल है वो है राजगढ़। वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 अप्रैल 2022 के उपरांत, 1 अप्रैल 2022 के पहले के नहीं, 1 अप्रैल 2022 के उपरांत जितने भी नवनिर्मित जो आवास हैं, 4 लाख से अधिक आवासों का जो है गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। अतः कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाएं सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों कर्मचारियों को दायित्व सौंपा जाता है। किस प्रकार से कार्यक्रम रहते हैं दोस्तों, ये भी आप भी देख लीजिए किस तरह से कार्यक्रम पूरी रूपरेखा बनती है। क्रमांक, गतिविधि का नाम, तो इसे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हेतु जिला शाजापुर आगरमालवा एवं गुना से हितग्राहियों का चयन और समन्वय, इसमें गतिविधि के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य क्या होंगे, हितग्राहियों के संपूर्ण विवरण, आवास की स्वीकृति, किस्तों का विवरण कि कितनी किस्त दी जा चुकी हैं, पूरी मिली हैं या नहीं, है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चर्चा के बिंदु, प्रश्न और उत्तर आदि, इतनी जो है गतिविधियां रहेंगी। और यहाँ प्रभारी अधिकारी, सहायक अधिकारी की पूरी जो ड्यूटी है वो सारे अधिकारियों की। माध्यम दूसरा रहेगा इवेंट मैनेजमेंट व कंटेंट रेजर उद्घाटन की तैयारी। कंटेंट रेजर जो उद्घाटन करते हैं, जो वर्चुअली भी होता है और वहाँ से मेन स्थल से होता है जो उद्घाटन, उसके लिए क्या होगा, विज्ञापन, कर्टन रेजर होना है, बैनर, बैकड्रॉप और स्टैंडी, ठीक है, इसके लिए ड्यूटी लगी है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम, अनुमोदन, वितरण आदि। फिर है त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं सचिव व रोजगार सहायकों को कार्यक्रम से जोड़ना एवं प्री रजिस्ट्रेशन करवाना, ये रहेगा ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप व मोबाइल फोन द्वारा, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा, CSC मतलब कंप्यूटर का जो CSC सेंटर रहते हैं वो प्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन करना है कार्यक्रम में डायरेक्ट ऑनलाइन शामिल होने के लिए, आम नागरिक के लिए भी और अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी। इसके बाद गूगल शीट में जानकारी का संकलन, गृह प्रवेश कार्यक्रम की जिलेवार, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार आवासों की जानकारी का संकलन, ठीक है, इसमें ड्यूटी लगी है। समन्वय के लिए NIC, जैसा आपको पता ही है, जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर रहता है जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरी की जाती है, एवं BSNL से समन्वय, ये राज्य व जिलों में इंटरनेट की आवाज़ कनेक्टिविटी, तो समन्वय आदि, इसमें ड्यूटी लगी है। आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय, कार्यक्रम का समुचित कवरेज, न्यूज ब्रीफ आदि, दूरदर्शन आकाशवाणी, कार्यक्रम का ब्रीफ, समुचित कवरेज, न्यूज ब्रीफ आदि, ठीक है, सब में ड्यूटी लगी। इसी प्रकार कंट्रोल रूम, विकास आयुक्त कार्यालय, समस्त संयुक्त आयुक्त संभाग एवं समस्त जिलों में से समन्वय, मतलब सभी जिलों में ये कार्यक्रम, मेन स्थल भली राजगढ़ है लेकिन ये प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइव प्रसारण होगा, ठीक है।
रिजर्व अधिकारी अन्य व्यवस्था हेतु रिजर्व अधिकारी भी रहते हैं। उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री डॉक्टर केदार सिंह संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण होंगे तथा उपरोक्त समस्त अधिकारीगण श्री डॉक्टर केदार सिंह संचालक के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेन है कि आपको जो 1 अप्रैल के बाद जितने भी आवास जो हैं कंप्लीट हुए हैं उनमें सीधे डायरेक्ट जो है वर्चुअल भी और मेन जो कार्यक्रम स्थल है वो राजगढ़, तो वहाँ से जो है 4 लाख से अधिक आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रत्येक जिले में कार्रवाई होगी दोस्तों, प्रत्येक जिले में प्रसारण होगा, प्रत्येक जिले में गृह प्रवेश कार्यक्रम होगा और हमें पूरी रूपरेखा किस तरह से बनानी मैंने वो भी आपको दिखाई और अब ग्राम पंचायत लेवल पर हर ग्राम पंचायत को किस तरह से कार्य करना होगा और कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर भी, जैसा कि आपने यहाँ ऑप्शन भी देखा है, जैसे अभी आया था कि जो गृह प्रवेश कार्यक्रम का पंचायतपन पोर्टल पर भी इस पर भी है ना, तो वो कैसी एंट्री होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इन सब योजना जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल, आप सभी को पता ही मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।